अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। तो तुम लोगों को बताता चलूँ, वापस आ गया था मैं इधर मुजफ्फरबाद। तो अभी आज ही हूँ मुजफ्फरबाद, तो देख सकते हो भाई यहाँ पे पूरा रूम है, मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। बाकी सब के बिस्तर वगैरह बिल्कुल बंद किए हैं मैंने, तो क्योंकि उनको तो छुट्टियाँ होगी, तो मुझे अभी भी रहते हैं कोई एक तो एक हफ्ता रहना है मुझे इधर भी। तो फिर उसके बाद हम चलेंगे, हमें भी छुट्टी हो जाएंगी, ईद की छुट्टी होंगी, फिर उसके बाद चलेंगे। तुम लोगों को बताते चलो कि जमीयत वालों की आज अफ्तारी है, उन्होंने पूरे हॉस्टल को अफ्तारी पे बुलाया है। तो मेरे हाथ से सामने जो घुमा रहा है हॉस्टल के सामने ग्राउंड एक है, उसमें अफ्तारी होगी। तो चलो तुम लोगों को दिखाते हैं कि अफ्तारी में वो क्या क्या सिस्टम होने वाला है आज। बाकी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अभी तो कोई नहीं आया हुआ, ये काफी वगैरह लगाएंगे, थोड़ी देर बाद सब आ जाएंगे, देख सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पे ये स्टेज वगैरह बना के रखा है, ये कालीन वगैरह बिछा के रखी, थोड़ी देर बाद सब आएंगे तो फिर चलेंगे। लेट है, बिल्कुल मगरब का टाइम हुआ है, तो बस ये कह सकते हैं 10-15 मिनट रहते रोजा खोलने में, चलते हैं भाई। तो वो तकरीर वगैरह भी चेक चल रही है, तो वो भी थोड़ी सुनेंगे। और ये जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो घर से आए, पाकिस्तान राजस्थान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ लाए। और नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा और ये दो ये जामिया कश्मीर ब्रदर हजारों का ना हो ही नहीं सकता। उससे पहले कि मैं यार भी चलते हैं क्योंकि अफ्तारी वगैरह करके मैं वापस आ गया था, अभी तरावीह का टाइम हो गया, तो आज हमारा खत्म कुरान भी है, तो चलते हैं उधर थोड़ा सा तरावीह वगैरह पढ़ेंगे, तो फिर आपको भी दिखाते हैं। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हस्बी रब्बी जल्ला फी कल्बी, जिस हाफिज के सीने के अंदर अल्लाह का कुरान होगा फरमाया वो भी जहन्नम के अंदर नहीं जलेगा, जहन्नम की आग से वो महफूज रहेगा। अरे तो फाइनली यार अभी मैं गया था तरावीह पढ़ने, तो खत्म कुरान था, तो अल्लाह के करम से आज हमारा पूरा मतलब कुरान जी तो ख़त्म हो गया, तरावीह हमने उधर पढ़ ली है, तरावीह में ख़त्म हो गया कुरान, तो अल्लाह कबूल करे। तो बस इसी सिलसिले में अभी काफ़ी टाइम लग गया था, तो अभी वापस आए, तो उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर मिलते हैं आपको शायरी में। ए फ्यू मोमेंट्स लेट, फाइनली यार मैंने कहा कि डायरेक्ट तुम लोगों को अफ्तारी में मिलता हूँ, सैरी के करने के बाद मैंने दरअसल यूनिवर्सिटी में गया, काफ़ी बिजी हो गया, तो मैंने कहा चलो तुम लोगों को अफ्तारी में बताऊँगा। तो अफ्तारी में मेरे ख्याल से अभी टाइम हुआ है, तो अफ्तारी में करते हैं। इस पूरे रूम में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, मेरे सारे रूममेट्स घर चले गए हैं, अभी मुझे सब वो मतलब याद आ रहा है, मेरे साथ उस तरह बैठे होते थे वो, इधर कभी वो उठाते कभी ये उठाते, हम सब मिल के आपस में बैठ के खाते थे, आज वो नहीं। वैसे अगर वो नहीं है तो ये सारा कुछ मैं अकेला खा सकता हूँ यार, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो यार अफ्तारी वगैरह तो हमने चलो कर ही ली थी, तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैंने आज मेरा जो एक रूममेट था उसने दराज से एक चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, तो वो चीज़ तो ये थी, इतने छोटे से इसमें डाली हुई थी उसने, तो ऑर्डर तो उसने किया है लेकिन उसको मतलब ये जो पहले तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो उसने मतलब दराज में देखी थी, जो इधर आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी यहाँ पे, वो चीज़ ने ऑर्डर कराई थी, वो चीज़ देख के तो जो निकली चीज़ ना वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ निकली। ये इसने कुछ ऑर्डर कराया था, ये देख सकते हो तुम लोग यार, कुछ नहीं हो रहा, ये देखो नज़र आ रहा है तुम लोगों को यार, मतलब उधर दराज वाले वहाँ पे कैसी चीज़ दिखाते हैं और यहाँ पे ये जो ये निकला है ना वो कितना क्रैप्ट काम है, वो कहता है यार मेरे साथ धोखा हो गया, बस उसके साथ ये धोखा, वो कहता है आईना कभी मैं कभी कोई दराज से कोई चीज़ नहीं मंगवा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो खैर यार इस ब्लॉग को मैं ये एंड करता हूँ, तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो आप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।